हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार, एडवांस एक्सेल ट्रेडिंग सेंटर आईपीटेक स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। तो आज के हमारे इस क्लास में हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का टॉपिक है, और हम एक्सेल की क्लास करते करते पहुंच चुके हैं डे 11। हमने 10 दिन कंप्लीट कर ली है और हम 11वें दिन में आ गए हैं, जहां हम बात करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। देखिए, नॉर्मल फॉर्मेटिंग क्या था कि आपने सेलेक्ट किया और यहां से फॉर्मेट कर दिया, फॉर्मेट हो जाता था। लेकिन कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक पर्टिकुलर कंडीशंस, मतलब कि एक अगर पे हाईलाइट करता है कि अगर ऐसा हो तो हाईलाइट करे, या कलर करे, या कुछ और करे, अगर ऐसा ना हो तो ना करे, उन चीजों पे आता है। जैसे कि मैं चाहता हूं कि जो जो एमआरपी ग्रेटर देन 50 है वो हाईलाइट हो जाए। हमने एमआरपी को सिलेक्ट किया, हाईलाइट सेल्स रूल्स में गए, और यहाँ पे मेरे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे ग्रेटर देन में मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 50 आ गया, लेकिन हर बार 50 नहीं आता है, आपको यहाँ डालना पड़ेगा। फिर यहां से आप येल्लो फिल, रेड फिल जैसे कलर है चूज कर सकते हैं। अगर आपकी खुद की फॉर्मेटिंग चाहिए, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, कस्टम फॉर्मेट। इस पे क्लिक कीजिए, आप अपने हिसाब की जो फॉर्मेटिंग है वो चूज कर लीजिए कि मुझे ये करना है। जो फॉर्मेटिंग आप चूज करेंगे उसी को हाईलाइट करके करेगा, और ओके कर दीजिए। सिर्फ कलर ही नहीं करेगा, उसको मेंटेन रखेगा। जैसे 73 हाईलाइट है, कल के डेट में अगर 37 हो जाएगा तो हट जाएगा, और 18 हाईलाइट नहीं है, अगर इसमें हम 81 कर दें तो ये हाईलाइट हो जाएगा। ये चीजें हाईलाइट इजीली हो जाएगी, तो ये मेंटेन भी रखता है। और क्या क्या है चलिए देखते हैं। लेस देन, किसी पर्टिकुलर नंबर से छोटा हो तो हाईलाइट कर दे। बिटवीन, जैसे मैं चाहता हूँ 15 से 20 वाले हाईलाइट हो जाए क्वांटिटी में, तो आप जाएंगे बिटवीन पे, और यहाँ पे आप डालेंगे 15, और यहाँ पे डालेंगे 20, और यहाँ अपना फॉर्मेटिंग सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। फिलहाल मैं ओके नहीं करता हूँ। इसके अलावा इक्वल टू एग्जैक्ट सेल वैल्यू, जैसे मुझे 9 करना हाईलाइट कर। अब यहाँ ध्यान रखिएगा एक चीज़ और, कि यहाँ हाईलाइट सेल्स रूल में ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, ये आप नंबर डेट एंड टाइम पे कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूं कि 15 नवंबर के बाद की डेट हाईलाइट हो जाए, तो यहां हम ग्रेटर देन यहाँ पे 15/NOV नवंबर कर देंगे, तो 15 नवंबर के बाद की जो डेट है वो हाईलाइट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ हम बिटवीन करें कि मुझे 10 से 15 नवंबर हाईलाइट करना है, तो यहाँ पे 10 नवंबर से यहाँ पे आपका 15 नवंबर तक का डेट हाईलाइट हो जाएगा। इस तरह से डेट को हाईलाइट कर सकते हैं, बट टेक्स्ट नहीं, बट इक्वल टू में कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैं कैश को हाईलाइट करना है, तो मैं यहाँ गया, इक्वल टू कैश सेलेक्ट किया, जितने भी कैश है वो आप देखिए हाईलाइट हो गया, कैश हाईलाइट हो गया। या कोई सेल वैल्यू में 20 को हाईलाइट करना है, तो मैं यहाँ आया और यहाँ इक्वल टू 20 कर दिया, ये हाईलाइट हो गया। ये चीजें आप हाईलाइट कर सकते हैं। पर कभी कभी क्या होता है कि आपका एक, जैसे मान लीजिए मुझे हाईलाइट करना है दिल्ली को, तो इक्वल टू मैंने दिल्ली किया, तो अब न्यू दिल्ली हाईलाइट नहीं होगा। अगर न्यू दिल्ली करूंगा तो दिल्ली हाईलाइट नहीं होगा। तो ऐसे केसेस में हम कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर जो है सिलेक्ट करते हैं टेक्स्ट दैट कंटेन, टेक्स्ट दैट कंटेन, इस पे क्लिक करते हैं, और मैं यहाँ पे दिल्ली लिखता हूँ, तो देखिए दिल्ली और न्यू दिल्ली दोनों के दोनों हाईलाइट हो गए। दिल्ली भी हो गया हाईलाइट और आपका न्यू दिल्ली भी हाईलाइट। उसके बाद था डेट ऑकरिंग। और जैसे कि मैंने अगर हाईलाइट किया कि आज की डेट हाईलाइट कर दे या कल की डेट हाईलाइट कर दे, तो इक्वल टू में जाके डालेंगे। जैसे कि मैंने आज की हाईलाइट, आज हमारा जो है वो है 18 नवंबर, मैंने 18 नवंबर लिखा तो ये हाईलाइट हो गया।
बट कल खोलूंगा तो ये 18 ही रहेगा, 19 नवंबर नहीं हो। ऐसे केसेस में हम यहाँ इक्वल टू में नहीं करके यहाँ डेट ऑकरिंग दिख रहा होगा, इस डेट ऑकरिंग में जाके हम यहाँ पे इसे टुडे करेंगे तो आज का डेट, टुमोरो करेंगे तो लास्ट 7 डेज, इस तरह से हाईलाइट होगा। ये फिक्स रहेगा, कल मैं खोलूंगा तो ये डेट 19 हो जाएगा, न कि 18 रहेगा। ऐसे आप ये पूरा जो है कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं डुप्लीकेट्स। कभी कभी क्या होता है कि पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर कोई नंबर मोर देन वन टाइम है, उसको हाईलाइट करने के लिए हम डुप्लीकेट का यूज करते हैं, या यूनिक है तो यूनिक, डुप्लीकेट है तो डुप्लीकेट। जो नंबर मोर देन वन टाइम हो, जैसे कि मैं यहाँ मोबाइल नंबर लिख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो मोबाइल नंबर है वो हाईलाइट हो जाए, तो यहाँ हम डुप्लीकेट में जाते हैं एंड ओके कर देते हैं। अब कोई मोबाइल नंबर मैं मोर देन वन टाइम लिखूंगा तो हाईलाइट हो जाएगा। से एक बार दिखा, ये दोनों बार देखिए हाईलाइट हो गया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि आपका टॉप बॉटम किया, इसमें कुछ चीजें जो है मिसिंग है, जैसे कि ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, लेस देन इक्वल टू नहीं है, नॉट इक्वल टू नहीं है, तो ये चीजें आपको यहाँ मोर रूल्स में मिलती है। मोर रूल्स में जाएंगे तो ये सारा कंडीशन मिलेगा। अप्लाई कैसे करना, तो सबसे पहले तो सेलेक्ट कीजिए अपने नंबर को, जैसे मैंने इस नंबर क्वांटिटी को सेलेक्ट कर लिया। अब मोर रूल्स में जाए या न्यू रूल्स में जाए, और ए वाला जो है फॉर्मेट सेल्स ओनली कंटेंट पे जाए, और यहाँ आपके सामने दिखेगा जैसे कि बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू है। आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, यहाँ पे वैल्यू देनी है, जैसे मैंने यहाँ पे 20 कर देता हूँ। हाँ, फॉर्मेट में जाना है और अपनी फॉर्मेटिंग सिलेक्ट करनी है और जस्ट प्रेस ओके। अब जैसे यहाँ पे 30 किया तो 30 हाईलाइट, तो ये चीज़ यहाँ कर सकते हैं। इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे कि अगर हम इसमें जाते हैं तो ये दिख रहा है आपको, अभी सेल वैल्यू पे चल रहा है टेक्स्ट के ऊपर। जैसे हमने बोला था कि न्यू दिल्ली या दिल्ली हाईलाइट कर दे, मैं चाहता हूँ कि जो न्यू से स्टार्ट हो या दिल्ली से खत्म हो उसको हाईलाइट करें, तो उस चीज भी हम कर सकते हैं यहाँ पे कि हम टेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पे कंटेनिंग मतलब कि जो डालोगे वो कहीं भी होगा सेल के अंदर तो लुकअप कर लेगा, आता है नॉट कंटेनिंग। नॉट कंटेनिंग मतलब कि वो है ही नहीं उसके अंदर, मैं दिल्ली के अलावा जिसमें दिल्ली हो उसको हाईलाइट ना करे। बिगेन विद, मैंने बोला कि यहाँ न्यू से हाईलाइट जो हो वो न्यू से स्टार्ट हो हाईलाइट हो जाए, या एंड में दिल्ली से जो है खत्म हो रहा हो वो हाईलाइट हो जाए, और यहाँ पे जाके अपना कलर कीजिए एंड ओके हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे और भी चीजें हैं जो आप देख सकते हैं, जैसे कि डेट ऑकरिंग जो मैं बताया था वही है, खास इसमें नहीं है। ब्लैंक ब्लैंक को हाईलाइट कर दे, या नो ब्लैंक को हाईलाइट कर दे, या एरर को हाईलाइट कर दे। अब एरर में क्या होता है, कभी कभी जैसे हम वीलुकअप वगैरह लगाते हैं तो हमारे डेटा में कई सारे जगहों पे एरर चल जाता है। जैसे मैं यहाँ पे एनए का एक लगाता हूँ, और माफ कीजिएगा, यहाँ पे हमने किया, यहाँ किया, अब यहाँ पे 500 है, यहाँ पे 200 है, और मैं चाहता हूँ जो नंबर है ना सिर्फ वही दिखे, बाकी और कुछ ना दिखे, तो हमने इस पूरे को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ हम चले गए न्यू रूल्स में, यूज फॉर्मूला के नहीं, यहाँ पे फॉर्मेट्स है, और यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया, और हम फॉर्मेट में गए और फॉर्मेट पे जाके हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया फॉन्ट में व्हाइट, क्योंकि इसकी बैकग्राउंड व्हाइट है, तो मैंने फॉन्ट कलर जो आपका टेक्स्ट कलर है उसको भी व्हाइट ले लिया, देन ओके कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि आपका नहीं दिख रहा है, बिल्कुल हट गया। तो ये चीजें हम यहाँ कर सकते हैं, एक्चुअली में रहेगा बट दिखेगा। अब चलिए अगली टॉपिक की तरफ चलते हैं, टॉप बॉटम। जैसे मुझे इसमें एमआरपी में टॉप 5 को हाईलाइट करना है, तो यहाँ हम आएंगे टॉप 10 आइटम। टॉप 10 आइटम में देखिए जहां जहां 90s है और टॉपर से हाईलाइट हो गया, मैं 100 करूंगा तो 100 हाईलाइट हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ आप जो है बॉटम 10 लेते हैं तो बॉटम 10 को भी हाईलाइट कर लेंगे।
टॉप 10% करते हैं तो इसकी परसेंटाइल के अकॉर्डिंग जो परसेंटेज निकालेगा उसके हिसाब से उसको हाईलाइट कर देगा, और उसी तरह से बॉटम 10% करते हैं तो परसेंटाइल के अकॉर्डिंग जाएगा और उसको हाईलाइट कर देगा, और ये अपने आप को मेनटेन भी रखेगा। जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट कर रखा है, इसका एवरेज 50 पॉइंट समथिंग है, यहाँ देखेंगे 50 पॉइंट समथिंग है, और मैं चाहता हूँ कि 50 से जो ऊपर है वो हाईलाइट हो जाए और मेंटेन रखे कि एवरेज से ऊपर हाईलाइट हो, तो यहाँ अबव एवरेज सेलेक्ट करेंगे, ये ऑटोमेटिकली एवरेज निकालेगा उससे ऊपर हाईलाइट कर देगा और उसको मेंटेन भी करेगा। कल के डेट में अगर डेटा चेंज होती है तो अपने आप को चेंज कर लेगा। उसी तरह से यहाँ आपका बिलो एवरेज था, बिलो एवरेज भी इसी तरह से यूज की जाती है। अगले टॉपिक में बढ़ते हैं जो कि है डेटा बार। जैसे कि मुझे पता करना है कि डेटा हमारे सामने आपके दिख रहा है कि इसमें क्वांटिटी में क्या पोजीशन क्या है, क्योंकि इतने बड़े डेटा पे हम बार चार्ट नहीं बना सकते। मैं चाहता हूँ कुछ इस तरह का बार चार्ट बने, तो इस तरह का चार्ट इतने बड़े डेटा पे और इसके सामने एग्जैक्ट रखना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसी केस में हम इसको सेलेक्ट करते हैं, कंडीशन फॉर्मेटिंग में आते हैं और डेटा बार इस्तेमाल करते हैं, तो ये बार दिखा देता है। देखिए इसको भी एक अलग डेटा पे निकाल के दिखाता हूँ तो आपको पता चलेगा कि डेटा बार करता है क्या है। जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है इस तरह से बार वो बढ़ाते चला जाता है। और मैं चाहता हूँ कलर, इसमें एक कलर स्केल भी है, यहां से आप कलर स्केल भी दे सकते हैं सिंपल कि कलर की तरह ये आपको करेगा। जैसे जैसे नंबर बड़ा हो रहा है रेड ग्रीन होते जा रहा है, तो जितना नंबर छोटा रेड, जितना नंबर बड़ा ग्रीन, तो एक इस तरह से कलर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम डेटा बार से देख सकते हैं कि किसका क्या पोजीशन है बार चार्ट की तरह। अब बात करें आइकन, मैंने मान लीजिए मुझे क्लियर मेंशन करना है कि क्या है, तो सिंपल हम यहाँ पे आइकन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? आइकन, जो कि आइकन क्लियर समझाएगा कि हाँ ये लोअर है, ये मिडल है, ये अपर है। तो इसी तरह से यहाँ पे कई सारे आइकन्स हैं अलग अलग तरीके का, आप जो आइकन आपकी रिक्वायरमेंट में है वो डाल सकते। जैसे कि यहाँ पे Q1 Q2 है, मुझे ये बताना है कि किस क्वार्टर में ज्यादा सेल है, किस क्वार्टर में कम सेल है। तो सिंपल सा हम आइकन में जाएंगे और ये वाला आइकन सेलेक्ट करेंगे तो डाउन और अप इस तरह से दिखा देगा, सिंपल, इसमें कोई खास नहीं है। अब चलिए आइकन्स को थोड़ा सा और मैनिपुलेट करके देखते हैं। मेरे पास मान लीजिए कि एग्जाम हुआ है, इसके यहाँ पे स्कोर्स है और जो ग्रेटर देन 60 नंबर लाया है वो पास है, 40 to 60 को रीटेस्ट देना है और लेस देन 40 को फेल करना है। जनरली जो एक्सेल को जानते हैं वो इसके लिए यहाँ पे इफ का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मैं ये चीज कंडीशन फॉर्मेटिंग से भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ आइकन पे गया और इस वाले आइकन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमने इस वाले आइकन को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ एक चीज और देख सकते हैं, कि यह आइकन आया लेकिन मेरी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं आया। तो किसी भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, चाहे इससे पहले जितना भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने लगाया है उसको मॉडिफाई करना है, तो हमें जाना होता है मैनेज रूल में। मैनेज रूल में जाते हैं और यहाँ डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ हम अपना कंडीशन चूज करते हैं। तो मेरा नंबर है तो परसेंटेज हटा के मैं नंबर कर देता हूँ और यहाँ पे मैं डालता हूँ कि 60 से ऊपर और 40, तो 40 to 60 के बीच में ए आएगा, 60 से ऊपर, 60 से ऊपर जो है ए वाला नंबर आएगा और 40 से नीचे ए वाला एंगल आएगा, देन ओके कर दिया एंड अप्लाई एंड ओके कर दिया। अब यहीं पे मैं 3 2 1 कर देता हूँ और इसके ऊपर इसको समझाना पड़ेगा ना कि क्या है। तो यहाँ हम इस पे जो है ए वाला आइकन यूज करते हैं और यहाँ फॉर्मेट पे जाते हैं, डबल क्लिक करते हैं और यहाँ हम कर देते हैं शो आइकन वन। हालांकि इस वजह से मान लीजिए गलती हो गया कि 1 2 3 लिखा गया, तो रिवर्स ऑर्डर करेंगे तो उल्टा हो जाता है, एंड ओके एंड अप्लाई, तो ये देखिए नंबर नहीं दिखेगा। तो कई बार कुछ लोग कहते हैं कि सर मुझे आइकन जो है ना यहाँ इस पे दिखाना है या डेटा बार इस पे दिखाना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इसकी आइकन में यहाँ से रिमूव करता हूँ, तो कंडीशन वर्डिंग में यहाँ क्लियर ऑप्शन है। क्लियर मतलब कि सिलेक्टेड सेल में जितने भी कंडीशन फॉर्मेटिंग लगी है उसको हटा दें या एंटायर शीट का, तो हमने सिलेक्टेड सेल को सिलेक्ट किया। अब इक्वल करके हमने इसको लिंक करके नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया।
अब इसके ऊपर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का आइकन इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर इसके मैनेज रूल में जाते हैं, डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे शो आइकन ओनली कर देते हैं एंड ओके एंड ओके। तो सिर्फ आइकन दिखेगा, आपका डेटा नहीं दिखेगा, सिंपल सा। कई बार हमें बार भी चाहिए होता है, जैसे मैंने डेटा बड़ा बताया, मैं चाहता हूँ कि मैं ये जो बार है ये मुझे अलग सेल पे दिखे। सबसे पहले तो मैं यहाँ इसको रूल को क्लियर करता हूँ और मैं इक्वल करके इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करता हूँ, नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ और इसके ऊपर हम यहाँ पे डेटा बार अप्लाई करते हैं और मैनेज रूल में जाते हैं, इस पर डबल क्लिक करते हैं, शो बार ओनली यहाँ दिख रहा होगा, इस पर ओके कर देते हैं एंड अप्लाई एंड ओके। तो देखिए सिर्फ बार दिख रहा है, डेटा नहीं दिख रहा है दूसरे कॉलम में। तो इस तरह के ट्रिक्स को हम फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं लिंक की। जैसे कि हमने यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू वगैरह किया है, मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे 60 लिखा, मेरी इस डेटा सेट में जहाँ जहाँ 60 होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत सारे फॉर्मूला यूज करते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ इक्वल टू पे जाते हैं और ये जो यहाँ मैनुअली हम लिखते हैं इसके जगह पे हम इस सेल लिंक को क्लिक कर देते हैं, सिंपल एंड ओके। फॉर्मेटिंग दे दीजिए अपने हिसाब से जो देना है। अब मैं यहाँ पे 70 करता हूँ तो 70 आएगा, 80 करता हूँ तो 80 आएगा, 100 करता हूँ तो 100 नहीं है इसलिए नहीं आएगा, 10 करता हूँ तो 10 आएगा जहाँ जहाँ, इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन हम इसके अंदर फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मेरा प्रॉफिट है और ये नंबर है, मैं चाहता हूँ जो प्रॉफिट अगर 500 से ऊपर हुआ तो पूरी की पूरी रो को क्या कर दे, कलर कर दे। तो मैं एक सिंगल सेल पे कर्सर रखा, देखिए कभी भी फॉर्मूला अप्लाई कीजिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में तो एक सिंगल सेल सिलेक्ट होता है ना कि पूरा डेटा। फिर यहाँ हम जाते हैं न्यू रूल्स, यूज फॉर्मूला और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले कैलकुलेशंस। तो एक कैलकुलेशन में हमने जे लिया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, अमाउंट से। देखिए इसमें डॉलर साइन है तो कॉलम का आगे का डॉलर रहने देते हैं, के आगे का डॉलर जो हटा देते हैं और इसको हम करते हैं ब्रैकेट में ताकि कैलकुलेशन सेपरेट हो और ग्रेटर देन 500 लगा दिया। अब इक्वल टू ट्रू वगैरह करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंडीशन फॉर्मेटिंग ट्रू फॉल्स पे ही काम करता है। फिर हमने अपना कलर लिया देन ओके एंड देन ओके। फिर फॉर्मेट प्रिंटर से हमने पूरे को प्रिंट, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है कि ये इस तरह का, क्योंकि डेट का फॉर्मेट अप्लाई हो जा रहा है ना, इसलिए तो पेस्ट स्पेशल के अंदर यहाँ दिख रहा है ऑल मर्जिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग को सेलेक्ट करके ओके, नहीं, गलत हो गया, इसी से करना पड़ेगा आपको। मर्जिंग तो अलग होता है, जो लिंक होता है एक से, और फिर इसको आप नॉर्मल जो है फॉर्मेट कर दीजिए और इसको परसेंटेज कर दीजिए। तो ये देखिए हाईलाइट हो गया पूरा का पूरा। इस तरह के फॉर्मूले लगा सकते हैं। अब चलिए कुछ फॉर्मूले की एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे मैं चाहता हूं इसमें सिर्फ अकाउंट नंबर ही टाइप करूं, इसके अंदर सिर्फ हमारा अकाउंट नंबर ही टाइप, तो नंबर ही टाइप हो, क्योंकि टेक्स्ट टाइप करें तो हाईलाइट कर दे। तो इसको सिलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं और यहाँ हम करते हैं न्यू और यूज फॉर्मूला और यहाँ पे इक्वल, एक फॉर्मूला होता है इज टेक्स्ट का, कि सेल के अंदर अगर आप किसी तरह का टेक्स्ट डालते हैं, जैसे मैंने A2 सेलेक्ट कर लिया तो वो आता है ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग ट्रू फॉल्स पे ही वर्क करता है, इसलिए हमने इस टेक्स्ट में A2 छोड़ दिया तो ट्रू होगा। अब यहाँ पे कलर करते हैं एंड ओके करते हैं, लेकिन हमने गलत कर दिया, हमने पूरी सेल को सिलेक्ट किया, ऐसा नहीं करना है। ये क्लियर करते हैं, जब भी फॉर्मूला लगाइएगा एक सिंगल सेल। ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं, इसलिए आपके सामने मैंने गलती करके दिखाया ताकि आपको पता चले। इज टेक्स्ट हमने A2 लिया और अपना फॉर्मेटिंग जैसे कि रेड मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया ओके। फिर हम फॉर्मेट प्रिंटर से नीचे की तरफ इसको पेंट कर दें। अब इसमें
नंबर होगा तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे कोई टेक्स्ट डालेगा हाईलाइट हो जाएगा। उसी तरह से मैं चाहता हूं कि इसमें सिर्फ यूनिक नंबर टाइप हो, मैंने डुप्लीकेट टाइप ना हो। जैसे मैंने यहां पे कोई एक टाइप किया और जैसे डुप्लीकेट करूंगा तो दोनों हाईलाइट हो जाएगा। तो इसके लिए आप बोलेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम यहाँ डुप्लीकेट लगा देते हैं, पर डुप्लीकेट में दोनों हाईलाइट हो रहा है, हमें जो सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, उसको हाईलाइट करना है, तो पहले नंबर जो आएगा उसको हाईलाइट नहीं करना है। तो इसके लिए आपको लगाना होगा फॉर्मूला काउंट इफ का, और काउंट इफ में थोड़ा एक मेथड यूज करना पड़ेगा, जैसे ए टू से ए टू और ए टू, और पहले वाले ए टू को मुझे फ्रीज कर देना ताकि जब मैं नीचे ड्रैग करूं तो यहां पे आपका जो है ये नंबर टू आए ना कि जीरो आए। तो मैं इसी फॉर्मूले को कॉपी करता हूं, इस पे कर्सर रखता हूं, कंडीशन फॉर्मेटिंग न्यू रूल्स यूज फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला मैं यहां पे पेस्ट करता हूं और कलर रेड करके ओके कर देता हूं। ओके एंड फॉर्मेट प्रिंटर से हमने इसको नीचे की तरफ पेंट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे आपके सामने रिजल्ट आ गया। तो मैं यहां पे दो करूंगा हाईलाइट। सर दो क्यों हाईलाइट हुआ, दो तो नहीं होना चाहिए। दो इसलिए हाईलाइट हुआ कि हमने कंडीशन वर्टी में एक छोटी सी गलती कर दी है, हमने इसके ऊपर कंडीशन तो दिया ही नहीं, तो ग्रेटर देन वन हमने कंडीशन दिया। अब एक ही अप्लाई कर दीजिए, सारे अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए टू हाईलाइटेड है, नीचे टू करूंगा तो नीचे का टू हाईलाइटेड होगा। अगले एग्जाम्पल पे आते हैं कि मैं चाहता हूं कि इसमें सैटरडे एंड संडे हाईलाइट हो जाए, तो मैं एक एक कर सकता हूँ इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू सैटरडे हाईलाइट हो जाए, फिर वापस इसी के ऊपर मैं कर सकता हूँ कि संडे हाईलाइट हो जाए, इक्वल टू संडे हो जाए, तो इस तरह के भी कर सकता हूँ। लेकिन हम इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी के अंदर फॉर्मूला का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो चलिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। सिंगल सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ न्यू रूल्स यूज फॉर्मूला। जब ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे ध्यान रखिएगा कि सिंगल कंडीशन आप देंगे, मल्टीपल कंडीशन के लिए एंड और का इस्तेमाल होगा। अब यहाँ और होगा क्योंकि सेल के अंदर या सैटरडे होगा या संडे होगा, दोनों नहीं होगा। अगर दोनों कंडीशन बनती है तब एंड इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ और लिखते हैं और लिखते हैं कि ए टू इज इक्वल टू सैटरडे। सैटरडे टेक्स्ट है इसलिए इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, ए टू इक्वल टू संडे, और फिर हम यहाँ पे एक कलर लगा देते हैं येलो कलर एंड ओके एंड ओके। फॉर्मेट प्रिंटर से नीचे की तरफ पेंट कर देते हैं, जहां जहां सैटरडे संडे होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। अब अगली जो है हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मैं यहाँ मोबाइल नंबर लिखना चाहता हूँ, लेकिन मोबाइल नंबर सिर्फ हमारा 10 डिजिट का होना चाहिए। अगर उससे कम या ज्यादा है तो हाईलाइट कर, तो बोलेंगे इसलिए कौन सी बड़ी बात है। हम इसको सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, न्यू रूल्स पे जाएंगे, और यहाँ हम यूज फॉर्म यहाँ पे कर देंगे, यूज फॉर्मूला में इक्वल लेन। लेन फॉर्मूला होता है जो इसका लेंथ निकालता है कि लेन ए टू इज नॉट इक्वल टू 10, ए टू इज नॉट इक्वल टू 10। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो ब्लैंक सेल होगा वो भी तो जीरो आएगा, और जीरो भी तो नॉट इक्वल टू 10 है। तो यहाँ पे दो कंडीशन लगाने होंगे कि एंड कि लेन नॉट इक्वल टू 10 होगा, और वापस मैं यहाँ पे लेन का फॉर्मूला लगाता हूँ और यहाँ पे ए टू लिखता हूँ कि एक ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो दो कंडीशन मैंने इसके ऊपर लगाया और फिर इसके ऊपर हमने कलर कर दिया ओके, और फॉर्मेट प्रिंटर से नीचे की तरफ प्रिंट कर दिया। अब इसमें मैं डिजिट कम लिखूंगा तो हाईलाइट हो जाएगा, 10 डिजिट लिखूंगा तो हाईलाइट नहीं होगा। तो यहाँ थी हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं फॉर्मूले के साथ, तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की एक और क्लास देंगे जब हम फॉर्मूले को सीख लेंगे। फिलहाल हम यहाँ होमवर्क की बात करें, आपको एक अटेंडेंस फॉर्मेट बनाना है, एक अटेंडेंस फॉर्मेट जो कि हर महीने के लिए सेम हो, तो आप इसके लिए बनाइए, फिर हम अगली क्लास में आपके साथ इस चीजों पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।